करण त्रिपाठी, बहुत भारी कांड हो गया यार। दिया बहुत गलत टाइम पे मुझसे नाराज हो गई। जब फसल काटने का टाइम आया तो खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया। नहीं भाई नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? कोई तो तिकड़म लगानी पड़ेगी। कैसे भी करके मुझे दिया के पास जाना पड़ेगा या दिया को अपने पास लेके आना पड़ेगा। इस वक्त दिया का मेरे हाथ से जाने का मतलब है किस्मत का मेरे हाथ से चले जाना। भैया केस शुरू होने वाला है और केस शुरू होने का मतलब है कि 24 घंटा मीडिया का कवरेज। बेटा जब तक ये केस लाइमलाइट में है ना, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरे कितने फायदे हो सकते हैं। सोच करण, दुनिया तुझे जानेगी, तुझे पहचानेगी। तो एक ऐसी लड़की जिसका रेप हो चुका है और उसका बॉयफ्रेंड 24 घंटा उसके पास खड़ा है, मतलब सोसाइटी में तेरी इज्जत क्या बनेगी यार? तू तो फ्री फंड का स्टार बन गया करण त्रिपाठी। नहीं बॉस, ये मौका तो मैं अपने हाथ से बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। जब तक ये केस खत्म होता है ना, तेरे को दिया को ना ऐसे तब पकड़ के रखना है, तब जकड़ के। और जैसे ये केस खत्म हुआ उसके बाद दिया अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब एक स्टार ऐसी लड़की से शादी थोड़े ना करेगा जिसका रेप हो चुका है। बट अपना काम बनता और जनता। आई डोंट थिंक करण हमारी कोई भी हेल्प करे। करण उस रात दिया के साथ था, वो दिया के लिए गुंडों से लड़ा था, तो वो हमारी मदद क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्योंकि आज मैंने उसे घर से बाहर निकाला और ये भी कहा कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा। कल थप्पड़ भी मारा था। What? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शौर्य? वो लड़का दिया का फियांसे है। माँ कोई फियांसे नहीं है, वो यूज कर रहा है। यूज कर रहा है मतलब? सिचुएशन का फायदा उठा रहा है माँ, अपना उल्लू सीधा कर। सिचुएशन का फायदा कैसे उठा सकता है शौर्य? इनफैक्ट आज दिया जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में है, करण उसके साथ खड़ा है। माँ कोई साथ नहीं खड़ा है, वो उसे कवरेज चाहिए, उसे बस पब्लिसिटी चाहिए। उसने जानबूझ के मीडिया को फोन किया। अगले 30 या 40 मिनट में दिया तिवारी जो है ना, वो अपने घर पहुंचेगी। तू अपनी पूरी टीम लेके उसके घर पहुंच जा, न्यूज कवर करनी है। दिया से ज्यादा फुटेज तो मेरा है भाई। जहां दिया जाती है वहां मीडिया को बुलाता है। वो क्यों? अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए, सिर्फ अपना फायदा देखता है। एक नंबर का घटिया इंसान है, कोई प्यार व्यार नहीं करता वो दिया। तो दिया ऑल सेट बेटा? हम तुम्हारी घबराहट समझ सकते हैं बेटा, बस हिम्मत रखो। ये लड़ाई बहुत बड़ी और कठिन है, लेकिन सच और इंसानियत हमेशा मंजिल तक पहुंच कर ही रहते हैं। आई नो आंटी, आप सब मेरे साथ हैं, पर पता नहीं क्यों माँ पापा की बहुत याद आ रही है। अरे तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम सब तो हैं यहाँ। क्यों उर्मी? हाँ मामी जी, अपनों की याद तो आती है बेटा, लेकिन आज अगर तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? हम सब तो हैं और हम सब भी तो तुम्हारा परिवार है ना। हाँ दिया बेटा, अब तुम अपने मन को एकदम से मजबूत करके चलो। Be confident, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं है बल्कि हम सब की है। जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा। And I'm sure कि ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। फिर होगी तेरी सुबह। राइट? बिल्कुल सही कहा बड़े पापा, तुम्हारे मम्मी पापा एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। Everything will be fine. हाँ दिया, तुम देखना तुम ये लड़ाई जरूर जीतोगे। लो छोटी ने आशीर्वाद दे दिया, काफी अब तो सब सही हो गया।